नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर के बारे में। बिहार में लग रहे स्मार्ट मीटर में लोगों को अलग से सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। जिन उपभोक्ताओं का पहले से मीटर लगा है, वही सिक्योरिटी मनी स्मार्ट मीटर में एडजस्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। आपको यह भी बता दें कि बिजली कंपनी की ओर से सिक्योरिटी मनी को लेकर विनियामक आयोग के सामने एक याचिका सौंपी गई थी, जिसमें कंपनी की ओर से यह दलील दी गई कि सिक्योरिटी मनी आम मीटर के लिए ली गई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर के लिए सिक्योरिटी मनी का अलग से प्रावधान होना चाहिए। आपको बता दें कि कंपनी ने अप्रैल 2021 से ही इस व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोग ने कंपनी के इन याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद आयोग ने साफ साफ कहा कि उपभोक्ता पहले से ही मीटर लगाए हुए हैं, मीटर बदलने का निर्णय कंपनी के स्तर का है, इसलिए उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ ना दिया जाए। इसलिए पहले से उपभोक्ताओं ने जो सिक्योरिटी मनी दे रखी है, वही राशि स्मार्ट मीटर में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। आयोग के इस निर्णय के बाद से राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इसके बाद उपभोक्ता बेफिक्र होकर स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को 3% की रियायत भी मिल रही है। आपको बता दें कि कंपनी स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को कई रियायतें दे रही है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि बकाया राशि 10 समान किस्तों में ली जाएगी। अब सिक्योरिटी मनी भी शिफ्ट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि 3% की छूट मिलने से उम्मीद है कि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में अधिक दिलचस्पी दिखाएंगे। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में बदल दिया जाएगा। कनेक्शन प्रीपेड होने के उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी EECL ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ कॉन्टैक्ट किया है। ऐसे काम करेगा प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर। मीटर लगवाते समय उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, जिस पर बिल भेजा जाएगा। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वे पास के किसी बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकते हैं। उपभोक्ता अपने रिचार्ज की स्थिति और खपत की जानकारी बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं। खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर पर नोटिस भेजा जाएगा। रिचार्ज नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिया जाएगा। मीटर की राशि शून्य होने पर 24 घंटे के भीतर उपभोक्ताओं को रिचार्ज करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर नोटिस के बाद उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन वापस चालू कराने के लिए रीकनेक्शन चार्ज देना होगा, जिसके भुगतान के बाद ही उनका बिजली कनेक्शन वापस चालू किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को मिलेगा कौन कौन से लाभ? बिजली बिल की समस्या से उनको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही बिल जमा करने से भी उनको जो है छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ मीटर बंद और चालू करने की भी सुविधा इसमें दी गई है। खपत के अनुसार रिचार्ज कराएंगे लोग, मोबाइल के जरिए भी इसको जो है प्रीपेड मीटर को आप रिचार्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक तरह से हम कह लें कि प्रीपेड मीटर जो है कई मामलों में अहम है। ये मीटर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो कम समय तक अपने घर में रहते हैं और उन्हें जो है ज़्यादा बिजली बिल देना पड़ता है। ऐसे में स्मार्ट मीटर सिर्फ रिचार्ज कर आप अपने घर को एक दिन के लिए भी रिचार्ज कर सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।